नमस्कार, मैं हूं विमल राय। आप देख रहे हैं सीओलाई 24 न्यूज बुलेटिन। आइए बात करते हैं आज के प्रमुख खबरों की। आज सीहोर जिले में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इस पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। हर जगह पानी भरा है, दुकानों में पानी भरा गया है, दुकानदार परेशान हो रहा है, सामान खराब हो रहा है। इसका मुख्य कारण शहर में बनी सड़कें हैं। सड़कें तो बना दी लेकिन पानी निकालने के लिए नाले की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर सड़कें दुकानों से ऊंची हैं जिसके कारण सारा पानी दुकानों में भरा रहा है। इसी प्रकार गल्ला मंडी से मार्केट का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हम आपको बता दें कि मंडी को शहर से जोड़ने वाली 3 पुलियां हैं जो रेलवे पटरी के नीचे से हैं, लेकिन इन पुलियाओं में लबालब पानी भरा है जिसके कारण वाहन आवागमन नहीं हो पा रहा है। एक दैनिक समाचार पत्र में बुधवार को छपे समाचार पर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रेस से भोपाल से 12 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा। बुधवार को भोपाल से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में छपा है जिसमें लिखा है कि रमेश सक्सेना कांग्रेस से जुगाड़ कर टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। इस पर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने कहा, मेरे राजनीतिक जीवन में इतना अपमान कभी नहीं हुआ जो इन शब्दों से हुआ है। रमेश सक्सेना ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा, मैंने कभी जुगाड़ की राजनीति नहीं की है। सक्सेना ने उक्त समाचार पत्र पर खेद जताते हुए खंडन कर माफी मांगने को कहा। हनुमान दादा के श्री चरणों में नमन करते हुए सबको जय श्री राम। आज नव भारत के फ्रंट पेज पर नव भारत से एक न्यूज छपी है जिसमें ये लिखा है कि रमेश सक्सेना कांग्रेस से टिकट लेने की जुगाड़ में हैं। एक बात नवभारत वालों को बता देना चाहता हूं कि रमेश सक्सेना ने बचपन से लेकर अभी तक जो राजनीति की है वो खुददारी की राजनीति की है। रमेश सक्सेना कभी जुगाड़ की राजनीति नहीं की है। हनुमान दादा की कृपा से अपने दोस्तों की दम पर राजनीति की है। आज जो न्यूज छपी है उससे मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है कि 40-44 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी न्यूज से या किसी के कार्य से मेरा अपमान नहीं हुआ है। ये शब्द जो है ये कांटों की तरह मुझे चुभ रहा है। यदि मुझे सीधे सीधे कोई गाली भी दे दे तो मैं उसका बुरा मान नहीं मानता हूं, परंतु ये जो जुगाड़ शब्द है इसने मेरे मन को झकझोर के रख दिया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 44 साल की जो राजनीति है, सबसे पहले सन 74 में शासकीय महाविद्यालय सीहोर के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुना गया था अपने साथियों की दम पर। 74 में ही भोपाल विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ था पहली बार, और उसमें जनरल सेक्रेटरी के लिए मुझे मेरे मित्रों ने चुनाव लड़ाया था एनयूसीआई के खिलाफ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, प्रकाश चंद्र शेट्टी मुख्यमंत्री थे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही थी अध्यक्ष का और पैनल लड़ा रही थी। उनके खिलाफ मेरे साथियों ने कहा हमें बंद के नहीं रहना है, खुददारी से जीवन जीना है। हमने जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और सब साथियों के दम पर सबसे अधिक वोटों से मैं चुनाव जीत कर आया हूं। यदि खुद मैंने जुगाड़ की होती तो प्रकाश चंद्र शेट्टी की बात मानी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष की बेटी चुनाव लड़वा रही है, आप उसकी खिलाफत मत कीजिए। यदि जुगाड़ की होती तो प्रकाश चंद्र शेट्टी से उस समय मेरे अच्छे संबंध बनते, जो लगातार जब तक मुख्यमंत्री रहे उनसे मेरे संबंध ठीक नहीं रहे। कुछ दो नारों पर कार्यकर्ताओं की दम पर भारी बहुमत से चुनाव जीत के आया निर्दलीय। और जुगाड़ की राजनीति की होती तो उस समय मुख्यमंत्री बन गए थे दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह ने बोला रमेश कांग्रेस में वापस आ जाओ, और सब साथियों ने बोला कांग्रेस में वापस आओ। मैंने कहा हनुमान दादा की कृपा से लड़ा हूं, जनता ने लड़ा है, कार्यकर्ताओं ने लड़ा है, उनसे पूछूंगा
कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया कि नहीं, अपने को किसी पार्टी में नहीं जाना है। पार्टी में वो आदमी जाए जो कमजोर हो, अपनी दम पर चुनाव लड़े हैं, जनता ने चुनाव लड़ाया है, इसलिए हम निर्दलीय रहकर सेवा करेंगे। हमने सेवा की और उस समय से दिग्विजय सिंह जी नाराज रहे, झूठे मुकदमे लगाए। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी विरोध में रहकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की, कांग्रेस का विरोध किया। सरकार के यदि जुगाड़ की राजनीति की होती तो सत्ता में पहुंच जाते और सत्ता के लड्डू खा रहे होते इस समय कांग्रेस के 10 साल तक। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पितामह स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने बुलवाया, मेघराज जी जैन के द्वारा, जो आरएसएस के प्रचारक भी रहे, वर्तमान पिछले 2 महीने पहले राज्यसभा के सांसद रहे, उन्होंने कहा रमेश ठाकरे जी बुला रहे हैं। ठाकरे जी के पास गया, ठाकरे जी ने कहा रमेश तू कहाँ पड़ा हुआ है, तेरी हमको जरूरत है, तू भाजपा में आ। मैंने उनसे कहा बाबूजी, क्योंकि मैंने विरोध बहुत ज्यादा किया है, कैसे चलेगा, तुझे नहीं सोचना इस बारे में, तू जब तक चाहेगा भाजपा से चुनाव लड़ेगा, तेरी इच्छा पर डिपेंड करता है ये, परंतु भाजपा में आ। कुशाभाऊ ठाकरे जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जब से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस समय चुनाव में उमा भारती जी को दिया गया था नेतृत्व, उमा भारती जी ने मुझे टिकट दिया, बगैर मांगे टिकट दिया, और अभी भी लगातार 3 बार से शिवराज सिंह जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने लगातार 3 बार से भाजपा का टिकट उनने दिया है और बगैर किसी जुगाड़ की राजनीति से उन्होंने दिया है। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी की भावना को ध्यान में रखते हुए अभी तक वो हमको टिकट देकर उनकी भावना जो है वो हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जनता के साथ जोड़ रहे हैं। अभी भी नवभारत वालों को मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत लगा लें, जितनी आपके अंदर हो, हम भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और शिवराज सिंह चौहान ही हमें टिकट देंगे। आज तक प्रदेश और देश के किसी भी नेता से रमेश सक्सेना ने बात नहीं की जाकर, क्योंकि मैं जानता हूं शिवराज सिंह जी मुझे जानते हैं, शिवराज सिंह जी पूरे जिले को जानते हैं, हम सबको जानते हैं। परंतु अंत में मैं ये कहना चाहता हूं नवभारत वालों से कि यदि 12 घंटे के अंदर मेरे पास लिखित माफीनामा नहीं पहुंचा आपके प्रतिनिधियों के द्वारा, किसी के द्वारा, क्योंकि मेरी इससे बड़ी कोई बेइज्जती मैं मान ही नहीं रहा हूं, तो मेरी विनम्रता को मेरी कमजोरी या कायरता नहीं समझे। धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में भूल गया हूं मैं उस बात को, यदि मैंने जुगाड़ की राजनीति की होती तो पटवारी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी उस समय मुझसे कहा था, परंतु मैंने नहीं मानी। लक्ष्मीवान संजीवान शर्मा जी मेरे घर आए थे, विरोध मत करो, तब जाके उन्होंने मुख्यमंत्री पटवारी से निवेदन किया कि रमेश सक्सेना भाजपा का बहुत विरोध कर रहा है, इसे जिला बदर करो। और उस समय माननीय पटवारी ने कलेक्टर को बुलाकर निर्देशित किया था कि रमेश सक्सेना को जिला बदर करो। यदि जुगाड़ की राजनीति की होती तो मैं जिला बदर भी नहीं होता, जुगाड़ की राजनीति की होती तो बोरा जी ने मुझे मीसा में बंद करा, सिविल सर्जन का मुंह काला करके जो हमने निकाला था जनहित में, उस समय मीसा में बंद किया, ना तो मैं मीसा में बंद होता, ना जिला बदर होता और ना दिग्विजय सिंह के द्वारा लगाए गए मुकदमों में के कारण आज मैं चुनाव लड़ने से वंचित होता। जुगाड़ की राजनीति मैंने कभी की नहीं है, जुगाड़ की राजनीति मैं कभी करूंगा नहीं। सिर्फ आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान राम के आदर्शों में चलने वाला व्यक्ति हूं, सबसे पहले निवेदन ही किया जाता है। उन्होंने कहा विनम्र रहो, विनम्रता से बात करो, और जब कोई विनम्रता से नहीं माने तो निश्चित रूप से उससे कहो कि हम कमजोर नहीं है, असहाय नहीं है। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर जब ये खबर सबदूर फैली तो भारतीय जनता पार्टी एवं रमेश सक्सेना के समर्थकों में काफी आक्रोश देखा गया। उन्होंने शाम को कोतवाली चौराहे पर इकट्ठे होकर संबंधित अखबार की प्रतियां जलाई। मामला ये है कि नवभारत ने जो छापा है आज,
कि विधायक जी रमेश सक्सेना, पूर्व विधायक रमेश सक्सेना कांग्रेस में जाने वाले हैं। हम उस पेपर वाले का और समूची कांग्रेस की साजिश हो सकती है ये कि इस तरह की गंदी हरकत करके पार्टी को जो है हमारे को कमजोर कर, पार्टी का मतलब ये समझ लो आप मनोबल तोड़ने वाली बात आती है। तो हम सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, सीओर के समस्त भाजपा के कार्यकर्ता कोतवाली चौराहे पे आए और विधायक रमेश सक्सेना ने कहा है कि पेपर 12 घंटे के अंदर 9-12 तक माफी नहीं मांगता है, तो हम ये कार्रवाई इस आंदोलन को और उग्र रूप देंगे, किसी तरह से भी हम पीछे नहीं हटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रमेश सक्सेना है, बरसों से है और रहेंगे, कहीं कब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। सीहोर में सीवेज लाइन डाली गई लेकिन इसके बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई और की भी गई तो मात्र एक दिखावा। इसके खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरह से सीवेज के लिए खोदी गई सड़क में गाड़ियां फंस रही हैं। सीहोर से सीहोर लाइव 24 के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हमारी और भी तरोताजा खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही, आप मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय सीओ लाइव 24 न्यूज़ बुलेटिन पर। नमस्कार।